दोस्तों ट्रिपल आर को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर जिस तरीके का कलेक्शन मिला है उसको देखने के बाद ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भैया ट्रिपल आर की आंधी में उड़ गए सारे रिकॉर्ड और इस फिल्म ने नए कीर्तिमान बनाते हुए ये बात पूरी दुनिया के सामने साबित कर दी है कि भैया इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई नंबर वन डायरेक्टर है तो वो है SS राजामौली। यानी कि भैया SS राजामौली के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपको अपने अंदर SS राजामौली वाला क्रिएटिविटी पैदा करना पड़ेगा मेरे भाई। यानी कि उन्होंने अपने इस फिल्म ट्रिपल आर के माध्यम से अपने सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भैया एक नया कीर्तिमान रख दिया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सामने। तो भैया ट्रिपल आर को पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से कितने का कलेक्शन मिला और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया, ये सारी जानकारियां मैं दूंगा आपको इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों जब भी हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी फिल्मों की चर्चा करते हैं जिन्होंने भैया बॉक्स ऑफिस पर आकर कई सारे कीर्तिमान बनाए हैं, तो भैया इस लिस्ट में दो फिल्मों की चर्चा हमेशा की जाती है, जिसमें से एक फिल्म है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट यानी कि आमिर खान की फिल्म दंगल, तो भैया दूसरी फिल्म है SS राजामौली के डायरेक्शन में ही बनी फिल्म यानी कि भैया बाहुबली 2। और भैया इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कई सारे कीर्तिमान बनाए थे भैया कमाई के मामले में। और भाई एक बार फिर से SS राजामौली ने अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए भैया अपनी ही फिल्म से आगे निकल गए हैं, यानी कि भैया बाहुबली के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ट्रिपल आर काफी आगे निकल चुकी है पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर। यानी कि आपको याद ही होगा कि ट्रिपल आर को पहले दिन आंध्रा और तेलंगाना से जो कलेक्शन मिला था यानी कि इसका जो ग्रॉस कलेक्शन हम लोगों के सामने आया था वो था 57 करोड़ का। और भैया इस ग्रॉस कलेक्शन को तोड़ते हुए ट्रिपल आर जो है वो 108 करोड़ का आंकड़ा पहले ही दिन पार कर चुकी है आंध्रा और तेलंगाना के मार्केट से। यानी कि उस जगह इस फिल्म को 84.69 करोड़ का नेट कलेक्शन मिला है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया कि इस फिल्म को ओवरऑल इंडिया से कितने का ग्रॉस कलेक्शन मिला है तो भैया वो आंकड़ा है 160 करोड़ का। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें भैया कि इस फिल्म का नेट कलेक्शन पहले दिन कितने का रहा इंडिया से तो भैया वो था 131 करोड़ 35 लाख का। यानी कि इस कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म ने बाहुबली का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। यानी कि बाहुबली 2 को पहले दिन जो इंडिया से नेट कलेक्शन मिला था वो था 124 करोड़ 50 लाख रुपए का, जिसको तोड़ते हुए भैया ट्रिपल आर जो है वो आगे निकल चुकी है 131 करोड़ 35 लाख रुपए के माध्यम से। और भैया इसका जो ग्रॉस कलेक्शन रहा था बाहुबली 2 का पहले दिन वाला वो था 152 करोड़ और उससे आगे निकल चुकी है ग्रॉस कलेक्शन के मामले में ट्रिपल आर 160 करोड़ 35 लाख रुपए के माध्यम से। यानी भैया अगर हम लोग भैया लैंग्वेज वाइज बात करें कि भैया इस फिल्म को कहां कहां से कितने का कलेक्शन मिला तो भैया इसको तेलुगु मार्केट से 127 करोड़ का बिजनेस मिला है, कर्नाटका से इस फिल्म को 16 करोड़ का बिजनेस मिला है, केरला से इस फिल्म को 4 करोड़ का बिजनेस मिला है, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज में इस फिल्म को 23 करोड़ का बिजनेस मिला है, ओवरसीज से इस फिल्म ने 70 करोड़ का बिजनेस किया और उसके बाद में तमिलनाडु से इस फिल्म ने 9 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस किया है। यानी कि भैया इस फिल्म ने पहले ही दिन भैया वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन किया है वो है 249 करोड़ 50 लाख रुपए का। यानी कि इस कलेक्शन के माध्यम से भी इस फिल्म ने बाहुबली 2 के पहले दिन वाले ग्रॉस कलेक्शन को वर्ल्ड वाइड तोड़ दिया है। यानी कि बाहुबली 2 को जो पहले दिन ग्रॉस कलेक्शन मिला था वर्ल्ड वाइड वो था 214 करोड़ का और इस फिल्म से आगे निकल चुकी है ट्रिपल आर 249 करोड़ 50 लाख रुपए के माध्यम से। यानी कि भैया SS राजामौली ने एक बार फिर से साबित कर दी है ये बात कि भैया क्यों वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नंबर वन डायरेक्टर हैं और उनकी फिल्मों पर ऑडियंस को इतना विश्वास क्यों होता है कि भैया ये फिल्म SS राजामौली की फिल्म है तो ये फिल्म आउट ऑफ द बॉक्स होगी मेरे भाई। तो दोस्तों बहुत सारे कीर्तिमान तो पहले दिन टूट चुके हैं, अब देखने वाली बात यह है कि यह फिल्म आने वाले दिनों में और कितने सारे कीर्तिमान तोड़ती है बॉक्स ऑफिस पर। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या यह फिल्म बाहुबली और दंगल के भैया ओवरऑल कलेक्शन को तोड़ पाएगी बॉक्स ऑफिस पर जो कि भैया 1000 करोड़ से ऊपर वाला है, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्न इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।